अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आप सब ने न्यूज़ में एक चीज़ देखा होंगे कि जमील हसन बोल के एक आदमी है जो बहुत दिन से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, मगर जो पार्टी के लिए और भी इंसान काम करते हैं उन सबको उनकी असलियत पता है, क्योंकि मैंने खुद 2017 से उनके खिलाफ़ बात करना चालू किया था। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए उनके लिए कि जो है ये पार्टी का गद्दार है, पार्टी को बेचना चाहता है, पार्टी के साथ गद्दारी करना चाहता है, तो इस इंसान से हमको जो है थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में कभी उस इंसान के साथ कोई बात नहीं किया, कभी फ़ोटो उनसे नहीं निकाला, कभी उनसे कोई बैठ के मीटिंग नहीं किया, कभी अपने इलाका में उनको नहीं लेके गए, कभी उनका कोई प्रोग्राम में मैं था भी नहीं, क्योंकि मैंने उस इंसान को 2017 में पहचान गया था कि ये जो है सिर्फ लालच है इनको पावर की, पैसे की। और ये कई मरतबा बोल भी चुका था वो इंसान ने कि अगर मुझे पावर मिल जाएगा तो मैं तुरंत TMC में चला जाऊंगा और राज्यसभा का मैं टिकट ले लूंगा। तो असद साहब को ये जो है फैसला बहुत जल्दी करना चाहिए था, मगर जल्द देर हुआ, दुरुस्त हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और हम लोग जो एक चीज़ समझते हैं कि हम लोग जो है बंगाल में काम करते हैं, असद साहब को पता नहीं रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं उनके पीठ पीछे, मगर असद साहब ने कई मरतबा दिखा दिया कि आप बंगाल में कुछ भी कीजिए पता हमें ज़रूर रहता है। आज भी बहुत सारे इंसान ऐसा है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहुत ऐसे करीबी जो है TMC के साथ अभी भी रबते में है, TMC के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। उन लोगों को अगर पावर मिलेगा, उन लोगों को कोई अगर पद मिलेगा, कोई अगर जिम्मेदारी मिलेगा, और तुरंत TMC में चला जाएगा। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को TMC में जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग पैसा लेके फिर TMC में जाएंगे, तो आप लोग एक काम कीजिए, इमरान सोलंकी से कांटेक्ट कीजिए या मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग चंदा उठा के जो भी होगा आपको देंगे। मगर ऐसे उम्मीद में मत रहिए कि हमको जो जिम्मेदारी मिलेगा और हम जाके BJP या TMC में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इससे पहले जितने भी पार्टी से जा चुके हैं वो सबके सब लालच में था, सबके सब वो लोग ये सोच के रखा था कि हम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगा, हम लोगों को जो है पावर मिलेगा, उसके बाद जो है हम लोग TMC में जाएंगे और बड़ी कीमत में हम लोग अपने आप को बेचेंगे। मगर ऐसा किसी का कुछ नहीं हुआ, जो भी गया वो भी घाटे में गया। अगर MIM में था तो थोड़ी सी भी इज्जत था उन लोगों की, मगर TMC में गया तो इज्जत कुछ भी नहीं रहा। एक तो ना वो बोलते ना हिंदी में कहावत है, ना घर का ना घाट का, उन लोग की हालत हुआ सेम टू सेम ऐसा ही हो गया। टिकट भी नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। अगर MIM में रहता तो कम से कम 2-4-5-10 आदमी उन लोग को इज्जत करता था कि भाई हाँ ये लोग जो है कौम के लिए काम कर रहे हैं, मगर असल में जो है इन लोग को कौम के लिए काम करना नहीं है, इन लोग को अपनी फायदा देखना है, अपनी पैसा को बनाना है और अपनी पावर को बनाना है। तो ये लोग ना इन लोगों को पैसा मिला। मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसान की, बहुत सारे आदमी की जो मतलब मेरे को मतलब पता है कि इन लोग जो है मतलब कोई 4-5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख की लालच में जो है TMC में ज्वाइन किया MIM को छोड़ के, मगर किसी को 2 रुपये नहीं मिला। ये लोग फंस गए, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। ये लोग खुद मेरे को बोलता है कि भाई हम जो है पूरा बुरी तरीके से हम लोग फंस गए। हम लोग सोचे थे कि हम लोगों को इतना मिलेगा उतना मिलेगा, और इधर आया तो कुछ नहीं मिला भाई हम लोगों को, हम लोग फंस गए। हम लोग MIM में जाना चाहते, मगर आप लोग विश्वास कीजिए, अगर एक भी आदमी रहेगा MIM में, अगर बंगाल में अगर एक भी आदमी रहेगा, अगर सबके सब चला जाएगा, फिर भी जो गद्दार जो MIM को छोड़ के TMC में जा रहे जो गद्दार, उन लोगों को कभी दोबारा MIM में जगह नहीं दिया जाएगा। अगर मैं रहूँगा MIM में, मेरे ऐसे बहुत सारे लड़का है, अगर मैं रहूँगा तो अगर आशा सब भी उन लोग को लाएंगे, मैं आने नहीं दूंगा। मैं आशा सबको बोलूँगा कि इन लोग को आने मत दीजिए, इन लोगों को मैं किसी भी हालत में MIM में आने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जमात छोटी है, मेरी पार्टी छोटी है, मेरी पार्टी जीते हारे या उससे कुछ मतलब नहीं, मगर इन गद्दारों को दोबारा मैं आने नहीं दूंगा। और जमील हसन जो है इसके बारे में हम लोगों को 2017 से पता था, हाँ ये पैसा खर्चा किया है, ये बात सही है कि इसने पैसा खर्चा किया, मगर ये अपने लिए खर्चा किया, खुद के लिए खर्चा किया, ये सिर्फ असीम बकर के पीछे खर्चा किया। जब सलीम जेल में था 1 रुपये नहीं दिया, जब असदुल जेल में था 1 रुपये नहीं दिया, जब अजीजुल हसन जेल में था 1 रुपये नहीं दिया था, ठीक है, जब अनवर हसन पाशा जेल में था 1 रुपये नहीं दिया था, मेरे खुद पे नाम पे 10 केस था, मेरे को भी 1 रुपये नहीं, ये लोग किसी को मदद नहीं किए, ये सिर्फ अपने लिए खर्चा किए, अपने पावर के लिए खर्चा किए, मगर इन लोगों को लास्ट में क्या मिला, 0। इन लोगों को 0 मिला। जो भी ऐसे MIM छोड़कर TMC में गया पैसे की लालच में, उन लोगों को भी सेम यही हालत है, उन लोग को भी 0 ही मिला और कुछ नहीं मिला।
तो अगर जो जमात के साथ काम करना चाहते हैं, पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, इज्जत से काम कीजिए और अपनी जो है लालच, अपनी जो है वो उसको आप साइड में कीजिए। अगर आपके अंदर लालच है तो आप टीएमसी में जा सकते हैं भाई। पैसे की ज़रूरत है तो इमरान सोलंकी से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी उनसे होगा दे देंगे आपको। आप वो पैसा लेके टीएमसी में चले जाइए, नहीं तो आप मतलब 4 साल 5 साल 10 साल बोलते हैं जो ओबीसी जो है अच्छा इंसान है, और जैसे ही आपको जो है मतलब टीएमसी में जाना रहता है, आप जाके वहाँ पर बोल देते कि ओबीसी दलाल है, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। तो आप फिर 4-5 साल क्या मतलब अंधा था आप लोगों को, मतलब बहरे थे आप लोग, सुनाई नहीं देते थे आप लोगों को, दिखाई नहीं देते थे आप लोग क्या दूध पी के बच्चे थे उस टाइम? हाँ, दूध पीते थे बच्चे थे आप लोग, जो समझ में नहीं आया पब्लिक को। आप लोग क्या समझते हैं कि भाई मैं जब तक एमआईएम में रहूं तब तक तो जो एमआईएम अच्छी है, और जैसे मैं एमआईएम से निकल जाऊं एमआईएम बुरी है? पब्लिक को आप लोग क्या समझते हैं? पब्लिक नहीं समझता है कि भाई ये जो है पैसे की लालच में आया है और आके ये ऐसा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। पब्लिक को हर चीज़ समझ में आती है भाई। आप लोगों के साथ एक जनरेशन जो है बोलते हैं मैं लड़के लोग को लेकर बैठूंगा बात करूंगा, भाई कौन है आपका लड़का, कहाँ पर आपका टीम है, कहाँ पर आपने काम किया, कौन सा लड़का आपके साथ है? आप 10 लड़का को साथ में लेके जाइएगा, लेके जाके आप टीएमसी बीजी में किसी में ज्वाइन करके दिखा दे, हम मान लेंगे 10 एमआईएम का लड़का आपके साथ आप लेके जाके टीएमसी बीजीबी में ज्वाइन करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि हाँ भाई आपके साथ 10 लड़का है। कुछ नहीं है इन लोग के पास, ये सिर्फ पावर जो है कि लालच में था, पैसे के लालच में था, इसके पास पैसा था, ये पैसे से हर चीज़ को खरीदने की कोशिश कर रहा था, मगर ये जानता नहीं है एमआईएम है, यहाँ पर खरीदा नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा बुरा इंसान रहता है हर पार्टी में, कुछ बुरा इंसान एमआईएम में भी है। ठीक है, ये सोच रहा है उन लोग को हम खरीद लेंगे, उन लोगों को खरीद के हम जो है पावर में आ जाएंगे, मगर आसफ साहब अकबर साहब कभी ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोगों को उम्मीद था कि ऐसा बिका हुआ इंसान कभी हमारा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा और हमारा पार्टी का कभी सदर नहीं बनेगा, हमारे विश्वास था। मैं 2017 से इसके खिलाफ बोलते आ रहा था, ये मेरे को खुद फ़ोन किया था, अब तुम मेरे को जानता नहीं, तुम मेरे को पहचानता नहीं, मैं बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ। मैं बोला नहीं भाई, आप कुछ भी हो, मैं पार्टी के साथ कभी ऐसा धोखेदार इंसान को मैं कभी साथ नहीं दे सकता हूँ और इनके खिलाफ मैं चुप भी दे सकता हूँ। मैं और आसादुल शेख 2017 से इसके खिलाफ हम लोग डायरेक्ट मतलब पूरा एकदम इसके खिलाफ वीडियो बनाया, इसके खिलाफ हम लोग हर चीज़ किया इसके खिलाफ, ऐसे इंसान के खिलाफ। और जो भी अभी भी पार्टी में जो भी गद्दार अभी भी है उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द पार्टी छोड़ के चले जाइए।